अभी जो मैंने आपको एक डेटा सेट दिया दैट इज 70 MB ऑन कैमरा आई एम रियली सॉरी आई सेड 73 था 76 आप लोग सॉरी बोल लो मैं करके कैमरा पे आके गाइस यहाँ पे देखो दैट इज नॉट द कंसर्न. द कंसर्न इज अभी तक हमारा डेटा कितना था 500 KB 1 MB. दिस डेटा इज 70+ MB. इट्स अ बिग डेटा. क्या है इस डेटा में? अपेरेंटली इस डेटा में ये है, स्क्रीन पे देखना, ये देखो दिस इज द डेटा train.csv. इसको जैसे मैं ओपन करूंगा विद इन 3 ईयर्स आपको दिखने लग जाएगा कि स्क्रीन पे क्या है. मैं आपको बता रहा हूं जब तक खुल रहा है तब तक थोड़ा आइडिया लग जाएगा. इस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में 42,000 इमेजेस का डेटा है, पिक्सल बाय पिक्सल डेटा. समझ में आया? देखो ये सारे जितने भी इमेजेस है 42,000 इमेजेस, इन सबका रेजोल्यूशन इज 28x28. इसका मतलब 28 pixels लेंथ, 28 pixels विड्थ. बहुत ही लो रेजोल्यूशन इमेज है. जब आप कैमरा से खींचते हो इट्स लाइक 1920x1080 फुल HD. नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा है. यहां पे देर आर ओनली 28x28 pixels इन अ सिंगल इमेज. और आपने क्या किया है, उस इमेज को डेटा में कन्वर्ट किया. कैसे? हर पिक्सल का वैल्यू निकाला और आपने हर पिक्सल को एक कॉलम बना दिया. कैन यू टेल मी टोटल कॉलम्स कितने बनेंगे? 28x28 दैट इज, आप लोग नहीं कर पाओगे, मैं करके बता रहा हूं, 784. मेरे को 35 तक का टेबल आता है, झूठ बोल रहा हूं, मेरे को याद है. 784 कॉलम्स हैं और हर कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पिक्सल ऑफ द इमेज. और नंबर ऑफ रोज क्या है? हर एक इमेज. समझ में आया? सो देर आर इन टोटल 785 कॉलम्स. मैंने कितना बोला था? 784 प्लस वन क्या है? 75. प्लस वन इज द रिजल्ट. सो पूरा का पूरा लिखा हुआ है वैल्यू और बाद में बताया हुआ कि नंबर था क्या उस फोटो के अंदर. समझ में आया? लेबलिंग किया हुआ है. सो हमारा जो डेटा सेट है उसका शेप क्या है? कॉलम्स 785 और रोज 42,000. समझ में आया? जब तक यहां पे खुलेगा तब तक हम लोग घर जा चुके होंगे. चलो कर लेते हैं. नया एक फाइल बनाओ और इसका नाम रखो हैंडराइटिंग क्लासिफायर एंड टेक एन ओथ कि आप कभी किसी को नहीं बताओगे कि इतना इजी था, क्योंकि इसका आउटपुट इज सो इम्प्रेसिव. आप इसको अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना के भी बेच सकते हो. आपका HOD ले लेगा, दिस इज रियली रियली गुड वर्क. यस सर, बहुत मेहनत लगा 3 साल से. काम 3 साल क्या काम किया सर? 3 साल पहले बनाया था, आज ओपन करके आपके पास लेके आया. यहां पे देखो इसका नाम आपको रखना है हैंड राइटिंग क्लासिफायर. देखो यू नीड टू इंपोर्ट योर लाइब्रेरीज फर्स्ट. इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd एंड इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt % matplotlib inline. देखो ये आपका डेटा स्क्रीन पे देखो दिख रहा है. फर्स्ट कॉलम इज लेबल. ये वन क्या बता रहा है? कि ये जो पूरा इमेज है ये किसका है? वन का. देखो ये क्या बता रहा है? दिस इमेज इज ऑफ 7 और ये उसका पिक्सल बाय पिक्सल वैल्यू है 784 कॉलम्स में. समझ में आ रहा है? द गुड पार्ट इज कोई डेटा मिसिंग नहीं है, कोई कुछ चेंज नहीं करना है, सीधे काम करना स्टार्ट करना है. बहुत ही प्यार से इसने डेटा बना के दे दिया. रन करो इस कोड को और उसके बाद लिखना स्टार्ट करो डेटा इक्वल टू pd.readcsv और इसके अंदर विल पास train.csv एज योर डेटा सेट. और आप डेटा डॉट शेप करोगे जस्ट टू सी क्या हो रहा है. थोड़ा बड़ा डेटा है, टाइम ले रहे हैं. कितना आ रहा है? सेम आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं 42,000 / 785. समझ में आ रहा है? एक बार हेड लेके देख लो.
डेटा डॉट हेड करने से थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव और मिलेगा. दिस इज द डेटा, ये आपका करेक्ट वाई है, दिस इज योर आउटपुट एंड दिस इज योर एंटायर इनपुट. ठीक है, पिक्सल जीरो से लेकर पिक्सल 775 तक, 784 तक होना चाहिए, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. अब आपको क्या करना है, सिंपल है, कुछ ज्यादा करना नहीं है. डेटा सारा एकदम क्लीन्ड है, कोई फीचर इंजीनियरिंग नहीं लगाना. सिंपली आपको सीधे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में मारना है, दो पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करना है, एल्गोरिदम लगाना है और फिर प्रिडिक्ट कर करके अपने को कंफ्यूज हो ये निकालना है एक्यूरेसी कितना आ रहा है. ठीक है, स्क्रीन पे देखो क्या करना है आपको. कैन यू टेल मी इस डेटा में से आप एक्स एक्सट्रैक्ट करके बताओगे? एक्स इक्वल टू डेटा डॉट आईलॉग. कैन यू टेल मी? सारे रोज तो चाहिए पड़ेंगे, कॉलम कौन सा चाहिए एक्स के लिए? वन से सारा, बिकॉज जीरो इज वाई, इसको आपने वैल्यूज में डाल दिया. एनी वन वैल्यूज का शेप कितना आएगा? अगर मैं लिखूं एक्स डॉट शेप, दिस विल गिव यू 42,784. एक हट गया और उसके बाद आप क्या लिखोगे? वाई इक्वल टू डेटा डॉट आई लॉक, सारे रोज कौन सा कॉलम? जीरो, और उसका डॉट वैल्यूज लगाओगे. और डॉट वैल्यूज लगाने के बाद अगर आप वाई डॉट शेप करोगे, यू शुड गेट दिस 42,000 एक कॉलम में. यहां तक ठीक है, एक्स और वाई निकल गया, राइट. अब देखो आप क्या करोगे, आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारोगे. आप लिखोगे फ्रॉम sklearn डॉट क्रॉस वैलिडेशन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और फिर सेम काम, एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल्स ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. अपना एक्स और वाई को पास कर दो और सेम टेस्ट साइज रख दो 0.2 का. और रैंडम स्टेट 9, रैंडम स्टेट 9 करोगे, काम हो जाना चाहिए. एक बार चेक कर लेते ट्रेन में कितना है. सो एक्स ट्रेन डॉट शेप गिव्स मी 33,600. सो टेस्ट में है 8,400, यही ना, टोटल मिला के 42,000. हाँ सही है, राइट. सो प्रॉपर पार्टीशन हो गया. यहां पे हम एक एल्गोरिदम लगाने वाले हैं जिसका नाम है डिसीजन ट्री क्लासिफायर. आई गेस आज हम समझ नहीं पाएंगे, बट लगा के देख लो, ठीक है, करके देख लो. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रॉपरली समझेंगे कैसे काम करता है. द नेम ऑफ द एल्गोरिदम इज डिसीजन ट्री क्लासिफायर, और ये आपको ट्री सब लाइब्रेरी में मिलता है. डिसीजन ट्री क्लासिफायर, राइट. डिसीजन ट्री क्लासिफायर, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट क्लासिफायर विच विल बी इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासिफायर का ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपको फिट करना है 33,600 डेटा को, ट्रेन करना है और उसके बाद आप प्रिडिक्ट करोगे, राइट. नेक्स्ट ट्रेन करना है क्लासिफायर डॉट फिट, और इसमें अपना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को पास कर दो. दिस विल टेक सम टाइम बिकॉज डेटा बड़ा है, बट द मॉडल विल लर्न. बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है बिकॉज इट्स माई लैपटॉप.
किसी का हुआ ट्रेन हो गया, ट्रेन हो गया, ओके मेरे को चलो कौन सा आइडिया लेना हुआ आइडिया पैड 330 मेरा उसूल खराब करेगा किसी भी टाइम स्टार्ट करो टाइम पे खत्म करो हो गया ठीक है ये जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आ रहा है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बट हमारा काम ये है देखो गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि वाई टेस्ट का 100 इज दिस तो इससे आप क्या इंटरप्रेट करोगे कि आपके टेस्ट वाले सेट में जो पांचवा इमेज है वो एक्चुअली नहीं जो 100वां इमेज है वो किसका है 5 का राइट अब हम सेम चीज क्वेश्चन करेंगे अपने क्लासिफायर से और साथ में हम ग्राफ भी प्लॉट करके देखेंगे कि सही बता रहे कि नहीं राइट ये लिखो यू विल राइट plt.imshow फंक्शन को आप लिखोगे और इसके अंदर आप पास करोगे x_test का 100.reshape 28.28 बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं मैं मैटप्लॉटलिब को यूज कर रहा हूं टू प्रिंट आउट द इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज देखो क्या बोल रहा है लग रहा है कोई भालू लिखा है फाइव देखो एक्चुअल डेटा क्या बोल रहा है फाइव है और इमेज ऐसा है जिसने भी लेबल किया जिस भी आदमी ने इसको लेबल किया उसने बोला फाइव है राइट अब हम क्या करते हैं प्रिडिक्ट करते हैं प्रिडिक्ट कैसे करेंगे विल राइट क्लासिफायर क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट और प्रिडिक्ट के अंदर मेरे को एक्स टेस्ट पास करना है और एक्स टेस्ट हम लोग को 100वां पास करना है एंड यू विल हैव टू रीशेप इट टू 1.784 बिकॉज आप एक रो पास कर रहे हो देखते हैं हमारा एल्गोरिदम क्या बोलता है देखो हमारा एल्गोरिदम क्या बोल रहा है फाइव और प्रिंट क्या हुआ